रीवा संभल के चंदोसी में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चंदोसी के तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर समस्त भाजपा के पदाधिकारियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा फव्वारा चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान चलाया। इसके उपरांत खादी निर्मित वस्तुओं की जानकारी देकर जनसंपर्क किया। फव्वारा चौक से पैदल चलकर तिरंगा यात्रा शुरू की, जिसका समापन मालगोदाम रोड पर स्थित अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गिरीश रतन ने बताया कि हमारा राष्ट्र आज महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के चलाए रास्ते पर चल रहा है, जिसे आप दोनों महापुरुषों का संदेश था कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार और कार्य की अपेक्षा रखते हैं, वैसे व्यवहार और कार्य हमें स्वयं भी करना चाहिए। और आज हमें गर्व है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ और हम सभी को भी यहाँ जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मेरा सभी से यही आग्रह है कि सभी भारतवासी महापुरुषों से प्रेरणा लेकर भारत माता का सिर गर्व से और ऊंचा करें। इस मौके पर चंदोसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदु रानी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये कहना है कि देखिए देश पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सेवा ही संगठन है के लेकर के और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। देश का विकास कैसे किया जाए और स्वच्छता के प्रति सबको जागरूक करना है और आगे बढ़ना है, इसी तरह देश का विकास करना है। आज गांधी जयंती पे माल्यार्पण किया है यहाँ पे हमें भारतीय जनता पार्टी ने नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में, गिरीश रतन जी के नेतृत्व में, और उसके साथ अभी हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे। यहाँ से झाड़ू लेकर के सब झाड़ू लगाते हुए जाएंगे अम्बेडकर पार्क पे जाकर के, वहाँ पे भी संदेश यही देना चाहते हैं कि स्वच्छ सेवा ही संगठन है हमारा, सेवा ही राष्ट्र परमो धर्म। हर व्यक्ति को राष्ट्र का देश राष्ट्रभक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, क्योंकि ये देश एक मंदिर है और हम सब इसके पुजारी हैं। हम सबको इस राष्ट्र में समर्पण कर देना चाहिए। जय हिंद जय भारत। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, पूरा देश आज गांधी जी की जयंती मना रहा है। चूंकि आज़ादी के बाद हमारे देश में आज़ादी का बहुत ही बड़ा महत्व रहा था गांधी जी के द्वारा, और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आकर उभरी है, उसकी वजह केवल एक ही है कि जितना विकास कार्य और जितना राष्ट्रपिता को समर्पित रहकर उनके आदर्शों पर चलकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जितने विकास कार्य इस देश के अंदर कराए हैं, आज उसी की वजह है कि आज भारत देश का सर उसका मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। गांधी जयंती पूरा देश मना रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारतीय जनता पार्टी ने ये माल्यार्पण किया है। उसके बाद हम स्वच्छता अभियान का संदेश देंगे, और इसके साथ साथ ही जो विचार गांधी जी के पास थे खादी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाए, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस माल्यार्पण के बाद हम एक तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खादी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन के लिए हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे।